तो कैसे आप लोग लोग once more हे गाइस, नीरज हियर एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पे इंस्टाग्राम सॉन्ग के ऊपर बीट्स एंड लगा कि एकदम कड़क स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए आप लोगों को सिंपली अलाइट मोशन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा, जिसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो पे यूज की ऑल मटेरियल लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे और मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोगों को एडिटिंग के रिलेटेड किसी भी टाइप प्रॉब्लम है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। चले गए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आप लोगों को अलाइट मशीन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने मिलेगा। अब आपको डिस्क्रिप्शन से सॉन्ग बीट में बजट एंड स्ट्रिक्टली फिट प्रीसेट अपनी अलाइट मशीन में इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद गाइस, आप लोगों को पहले सॉन्ग बीट में बजट ओपन कर लेना है। सॉन्ग बीट में बजट ओपन करने के बाद गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे सॉन्ग बीट में बजट पर मैंने ऑलरेडी बीट मार्क कर चुका हूँ गाइस। अब आपको यहाँ पर स्टार्टिंग पर आना है। स्टार्टिंग पर आने के बाद प्लस आइकन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इमेज जनरेटर पर क्लिक करके आप किस फोटो से अपना स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को सिंपली सेलेक्ट करके ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद गाइस, अब आपको थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके फिल स्क्रीन कर लेना है। फिल स्क्रीन करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर लेना है। अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से प्लस आइकन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इमेज जनरेटर पर क्लिक करके सेकेंड मॉडल इमेज ऐड कर लेना है। सेकेंड मॉडल इमेज ऐड करने के बाद गाइस, अब आपको फिर से थर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिल स्क्रीन कर लेना है। फिल स्क्रीन करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर लेना है। इसके बाद में गाइस, आप लोगों को फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद सो गाइस, आप लोगों को इसी टाइप सारे मॉडल इमेज को बीट के हिसाब से ऐड करके एडजस्ट कर लेना है। सो गाइस, मैं जल्दी से सारे मॉडल इमेज ऐड करके बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, तब तक वीडियो को स्किप कर देता हूँ। सो गाइस, मैंने वीडियो स्किप करके सारे मॉडल इमेज ऐड करके बीट के हिसाब से एडजस्ट कर चुका हूँ। आप लोगों को इसी टाइप सारे मॉडल इमेज ऐड करके बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। सो गाइस, अब आपको मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद शेकी फिट प्रीसेट ओपन कर लेना है। शेकी फिट प्रीसेट ओपन करने के बाद गाइस, अब आपको फर्स्ट वाला मॉडल इमेज पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डी ऑप्शन पर कॉपी फिट कर लेना है। इसके बाद में बैक आना है। बैक आने के बाद सॉन्ग बीट में बजट ओपन कर लेना है। सॉन्ग बीट में बजट ओपन करने के बाद गाइस, अब आपको फर्स्ट वाला मॉडल इमेज पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डी ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। अब आपको सेकेंड मॉडल इमेज पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डी ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। सो गाइस, ये बड़े ड्यूरेशन फोटो पर फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेना है। मिनिमम गाइस, आप लोगों को 3.04 सेकंड के अंदर कितनी भी मॉडल इमेज हो सारे मॉडल इमेज पर फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेना है। गाइज, मैंने 3.04 सेकंड के अंदर सारे मॉडल इमेज पर फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ। अब आपको गाइज 3.04 सेकंड के बाद में कितने भी मॉडल इमेज हो सारे मॉडल इमेज पर सेकंड इफेक्ट अप्लाई कर लेने। अब आपको सेकंड इफेक्ट कॉपी करने के लिए आप लोगों को सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद शेकी फिट प्रीसेट ओपन कर लेने। शेकी फिट प्रीसेट ओपन करने के बाद गाइज, अब आपको सेकेंड वाला मॉडल इमेज पर क्लिक कर लेने। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डी ऑप्शन पर कॉपी फिट कर लेना है। इसके बाद में बैक आना है। बैक आने के बाद सॉन्ग बीट में बजट ओपन कर लेना है। सॉन्ग बीट में बजट ओपन करने के बाद गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो 3.04 सेकंड के अंदर सारे मॉडल इमेज पर हमने फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई किया था। अब आपको 3.04 सेकंड के बाद में कितने भी मॉडल इमेज हो सारे मॉडल इमेज पर सेकंड वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेना है। गाइज, मैंने 3.04 सेकंड के बाद में कितने भी मॉडल इमेज सारे मॉडल इमेज पर सेकेंड इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ। आप लोगों को इसी टाइप सारे मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई कर लेना। सो गाइज, अब आपको यहाँ पर स्टार्टिंग पर आने। स्टार्टिंग पर आने के बाद आप अपना इंस्टाग्राम लोगो वगैरह ऐड करना चाहते हो तो प्लस आइकन पर क्लिक कर लेने। क्लिक करने के बाद इमेज जनरेटर पर क्लिक करके लोगो ऐड कर लेने। मैं अपने यूट्यूब चैनल का लोगो ऐड कर लेता हूँ। लोगो ऐड करने के बाद गाइस, अब आपको मोर ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक कर लेने। क्लिक करने के बाद थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके इसका साइज छोटा कर लेना है।
साइज छोटा करने के बाद गाइस अब आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस लोगो को कहाँ भी एडजस्टमेंट कर लेना है। एडजस्टमेंट करने के बाद इस लोगो को पूरा लास्ट तक ले जाना है हमारे म्यूजिक तक। अब आपको पूरा लास्ट पर आना है। लास्ट पर आने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये लोगो पूरा लास्ट तक आ जाएगा। सो गाइस आप देख सकते हो पूरा कंप्लीट रेडी हो चुका है। इतने स्टेप करने के बाद आपका वीडियो पूरा रेडी होकर बन जाएगा। सो गाइस अब आपको वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए शेयर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद वीडियो ऑप्शन पर क्लिक कर लेने। एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन में 1080p रख लेने। फ्रेम रेट आपको फुल रख लेने। क्वालिटी एकदम हाई रख लेने। इसके बाद में एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना जिससे कि चैनल का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो गाइस आज के इस वीडियो पे इतने ही। मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो पे। तब तक टेक केयर एंड बाय।